आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था कि स्टैंजर का पीवीटी 700 एक एम्पलीफायर का ओवरलोड टेस्टिंग कीजिए, तो वो वाला वीडियो तो आएगा, लेकिन आज देखेंगे पीवीटी 501 में कितना दम है। इसमें लोड देने वाला है 1400 वाट का लोड देंगे, एक एक टॉप हमारा 700 वाट का है, दो टॉप लगाएंगे इसके ऊपर। चलिए देखते हैं वीडियो लास्ट तक जरूर देखते हैं एम्पलीफायर ओवरलोड शो करता है या फिर टेम्परेचर शो करता है कि नहीं। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो आपके सामने ही मैं कनेक्शन भी कर देता हूँ, ये एक स्पीक ऑन। और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था ऐसे ओवरलोड टेस्टिंग का वीडियो का, तो मैं तो टाइम नहीं मिल रहा काफ़ी दिन से। अरे यार चलो लगा दिया दोनों को, और इसको लगाएंगे पीछे। चलिए इसको भी लगा देता हूँ, एक सेकंड मैं लगा लेता हूँ उसके बाद। तो ये देखिए हमने लगा दिया यहाँ पर ब्लैक वाले को कॉमन में, और 2 ohms में लगाया है क्योंकि दो टॉप है। सारे स्पीकर 8 ohms का है, इधर से वायर आप देख ही सकते हैं, कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया है, सिंपल सा कनेक्शन। अभी मोबाइल कॉट इसको भी लगा दिया। अभी स्पीकर्स में एक बार टॉप की बात करता हूँ, तो ऊपर है 60 का HF है, इधर 300 का स्पीकर है, इधर 350 का है, तो एक टॉप लगभग 700 वाट का होता है, तो दो टॉप सेम है, दो टॉप इस पर लगा दिया है। चलिए साउंड को प्ले करते हैं। ये लगाया मैंने भयंकर आत्मा वाला सॉन्ग, काफ़ी लोग पूछते हैं ये कौन सा सॉन्ग है, तो इसलिए मैंने बता दिया ये है भयंकर आत्मा वाला सॉन्ग। तो लीजिए गाना प्ले हो गया, मैंने ऐड को थोड़ा सा स्किप कर दिया था। ओह एम्पलीफायर का प्लग लगाना बाकी है। अच्छा ये टेम्पररी यहाँ पर छोटा सा बोर्ड हमने लगा दिया है। चलिए अरे यार इंटरनेट स्लो, फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है। ये स्पीकर मोड पे है ना, स्पीकर मोड पे है। इसको रेड बल्ब जलाकर कुछ देर प्ले करते हैं, ओवरलोड होता है या नहीं देखते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग दीजिए। इसका वीडियो आगे आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए।
आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एम्पलीफायर ओरिजिनल है क्या, आप लोग कमेंट में बाद में बोलेंगे। देख लीजिए ये ओरिजिनल है क्या, आप लोग ही बताइएगा। कलकत्ता का है, मेड इन इंडिया है, ऑब्वियसली 3 साल पहले का एम्पलीफायर है। देख लीजिए अच्छे से, पूरा आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों को अगर आपका वीडियो YouTube पर अपलोड करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, सेंड कीजिए। बॉक्स थोड़ा सा घुमाना पड़ा क्योंकि इस तरफ गांव है तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो बॉक्स थोड़ा सा इस तरफ घुमा दिया, बाकी कंटिन्यू करते हैं इस तरफ बजा के। तो गाइस काफी देर हो गया है, लगभग आधा से 45 मिनट हो गया तो बज रहा है बॉक्स। इससे पहले इस तरफ घुमाकर बॉक्स बज रहा था, अभी इस तरफ घुमा दिया है क्योंकि गांव का इलाका है, आसपास घर है तो प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस तरफ मैंने घुमा दिया। तो अभी चलिए बजाते हैं और कुछ देर। लोड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए जब लाल लीड तक जाता है बॉक्स तो साउंड और अच्छा नहीं लगता, कैसा फटफट सा जाता है, क्योंकि इसमें लोड काफ़ी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, तो इस वजह से साउंड थोड़ा सा खराब टाइप का आता है। तो आप लोग चलिए देखते हैं, साउंड बढ़ाते हैं। और एक और वीडियो आएगा जहाँ पर मैं 1000 वाट का जो दो टॉप है ना हमारे पास उसको लगाऊंगा इस 500 वाट एम्पलीफायर में, वो वीडियो भी जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो या फिर कुछ दिन बाद आ जाएगा 1000 वाट का दो टॉप 500 वाट। लगभग मैंने इसको 2 घंटा बजाया था तो उसके बाद और नहीं बजा पाया क्योंकि आसपास के घर में से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है साउंड की वजह से। तो 2-3 घंटे आप इस एम्पलीफायर को 1400 वाट लोड देकर आराम से चला सकते हैं।
लेकिन उससे ज्यादा मत दीजिएगा और 2-3 घंटा ही चल सकता है। उससे अगर ज्यादा टाइम चलाएंगे लाल लीड पर लेकर तो हो सकता है एम्पलीफायर टेम्परेचर या फिर ओवरलोड शो कर दे। और नेक्स्ट वीडियो कर दूंगा 1000 वाट के 2 टॉप इसमें लगाकर, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.